सैमसंग लेकर आया था अपनी एम सीरीज विद एन एम की वो शाओमी रियलमी वीवो जैसे जो चाइनीज स्मार्टफोन प्लेयर्स हैं उनके साथ बजट सेगमेंट में कम्पीट कर सके। अभी सीरीज काफ़ी पॉपुलर रही, खासकर इसके जो दो मॉडल्स आए थे गैलेक्सी M30 और M30s, दोनों लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे। ऑफकोर्स M30s जो था उसमें 6000 mAh की एक बैटरी दी गई थी, सेकेंड स्मार्टफोन था वो इंडिया में इतनी बड़ी बैटरी के साथ आने वाला, और वो काफ़ी दोनों पॉपुलर रहे थे। और अब सैमसंग लेकर आया है सैमसंग गैलेक्सी M31। पिछले महीने लॉन्च हुआ है फोन, कुछ ही दिन हुए अभी लॉन्च हुए, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें वही हैं जो आपको M30s में ऑलरेडी मिल रही थी, कुछ नई चीज़ें भी हैं। तो क्या डिफरेंसेस है, क्या कुछ बदला है, वो बताएंगे आपको इस रिव्यू में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं मानस तिवारी। इससे पहले कि हम अपना रिव्यू एक्चुअल रिव्यू शुरू करें, मैं आपको एक बहुत ही कूल चीज़ दिखाने वाला हूँ जो बहुत कम स्मार्टफोन पर देखने को मिलती है और मुझे बहुत पसंद आई। वो ये है, यहाँ पर जो ये लाइव वॉलपेपर है ये बहुत कमाल का है, काफ़ी कूल ये वॉलपेपर है। जैसे ही आप फ़ोन को ऑन करते हैं, बट एक प्रॉब्लम ये होगी कि थोड़ा सा बैटरी ज़रूर ड्रेन करता है कि लाइव वॉलपेपर है, तो उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब वॉलपेपर की बात हो गई है तो अब करते हैं हमारा रिव्यू शुरू, और सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन के मामले में बहुत कुछ यहाँ बदला नहीं है, आप पीछे देख सकते हो। जिन लोगों ने M30s और M30 को यूज़ किया था शायद वो एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पर एक कैमरा जो है वो बढ़ गया है कैमरा मॉड्यूल के अंदर। तीन कैमरा थे M30s में, अब आपको चार कैमरा मिल रहे हैं। साथ में फिंगरप्रिंट जो स्कैनर है वो पहले भी पीछे ही था, अभी भी पीछे ही है, बस थोड़ा सा पास हो गया है कैमरा मॉड्यूल के। दो कलर में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, हमारे पास ब्लैक कलर है इस वक्त, एक और कलर इसका आता है। पीछे का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है, कुछ खास पैटर्न्स नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव है बट दैट इज़ ओके। फिंगरप्रिंट्स भी उतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, थोड़े बहुत लगते हैं, बट दिस इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल, इतना तो चलता है, इतना मतलब आपको मिलेगा आजकल कहीं पे भी। साइड में आपको वॉल्यूम के बटन्स दिए गए हैं, पावर बटन दिया गया है। नीचे अच्छी बात यह है कि आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है, और साथ में ये देख लो भाई, ध्यान से देख लो, बहुत कम दिखता है आजकल, ये है आपका हेडफोन जैक, तो इस फोन में आपको मिल रहा है। अब डिस्प्ले की मैं बात करता हूँ तो अगेन सामने की तरफ आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलता है, ये जिसे सैमसंग बोलता है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, ये वो है। एंड बेजल्स हैं साइड में भी हैं, नीचे की तरफ थोड़े से ज़्यादा हैं, बट अगेन मिड रेंज स्मार्टफोन है, मिड रेंज भी कैसे, बजट ही बोलूँगा, 15 के नीचे थोड़ा बजट सेगमेंट ही बनता जा रहा है, तो उसके हिसाब से ही अगेन एक्सेप्टेबल है। कलर्स जो हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, अगर मैं ब्राइटनेस यहाँ फुल कर देता हूँ आप देख सकते हो एकदम स्क्रीन लाइट अप हो जाती है, बहुत ही अच्छे कलर्स आते हैं, पंची कलर्स हैं, आइकन्स बहुत शार्प हैं, टेक्स्ट काफ़ी शार्प है, अगर आप आउटडोर में भी यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी ब्राइट ये रहता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर एक ये आता है कि काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, जैसा कि आप इस वक्त फ़ोन में देख सकते हो, स्नैपचैट हो गया, डेली हंट हो गया, काफ़ी सारे हीलो है, बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, तो जो अगर आपको नहीं चाहिए आपको शायद उनको रिमूव करना पड़ेगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ऑफकोर्स, तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर्स काफ़ी पंची हैं, अगर आप कॉन्टेंट स्ट्रीम कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, तो उसमें कलर्स काफ़ी अच्छे से निकल कर आते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, प्रोसेसर जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो सेम 9611 प्रोसेसर है जो आपको M30s में मिल रहा था, A50s में भी सेम प्रोसेसर था, डिसेंट प्रोसेसर, अगेन सैमसंग का ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है। बट डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा ये है कि हार्डवेयर के मामले में ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, आप ऑफकोर्स चाहते हैं कि जब एक नया फ़ोन आता है एक नई जनरेशन का उसमें एक नया प्रोसेसर हो, बट सैमसंग ने थोड़ा सेफ खेला है, बोला ये टेस्ट कर चुके हैं, लोग देख चुके हैं, परफॉर्मेंस ठीक मिलती है। अच्छी बात अगेन ये है कि दो वेरियंट्स हैं, दोनों में 6 GB रैम मिल रही है, एक में 64 GB की स्टोरेज है, एक में 128 GB की स्टोरेज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना चूज़ कर सकते हैं। प्राइस में कोई खास डिफरेंस है नहीं, बेस वेरिएंट 15,000 का है, ऊपर वाला वेरिएंट 16,000 का, तो 1,000 में आई थिंक यू शुड गो फॉर द हायर स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है, कि 1,000 रुपये बहुत मार्जिनल सा कॉस्ट है जो आपको देना पड़ेगा उसके लिए। अब बात कर लेते हैं कैमरा की, कैमरा मैंने आपको बताया ऑफकोर्स पीछे की तरफ चार कैमरा है, सामने वाला जो कैमरा है उसको बढ़ा दिया गया है, पिछले फ़ोन में 16 MP था, यहाँ 32 MP का आपको सेल्फी शूटर मिल रहा है, काफ़ी सारे इमेजेस हमने क्लिक करे इस कैमरा के साथ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ सैम्पल्स है मेरे पास, ये फ्रंट कैमरा का है, आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड, मतलब मिड रेंज सेगमेंट में अगर इतने अच्छे आपको फोटोज़ मिल रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा, देखिए आप डिटेल्स शार्पनेस जो है, हाँ ये ज़रा ध्यान रखने वाली बात है कि ये रिजल्ट्स ऐसे ही नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ा कैमरा से ऐप में जाके सेटिंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा तभी आपको ये इस तरह का पिक्चर्स मिलेंगे। ये ब्रेयर कैमरा है, यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे की तरफ जो है काफ़ी अच्छा ब्लर ऐड हो गया है, डेप्थ अच्छी है, सब्जेक्ट आपका फोकस में है, डिटेलिंग बढ़िया है। ये अगेन एक सेल्फी कैमरा का हमारा शॉट है, पोर्ट्रेट मोड है ये, तो आप देख सकते हो जो पीछे का सब्जेक्ट है एकदम ब्लर कर दिया गया है, उसको जो आपका मेन सब्जेक्ट है काफ़ी ब्राइट है, स्किन टोन भी थोड़ी नेचुरल के क्लोज है। रेयर कैमरा का सैम्पल है अगेन पोर्ट्रेट मोड के अंदर, जिसे सैमसंग लाइव फोकस बोलता है ऑफकोर्स, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मिल रही है, इमेजेस
ग्रेनी नहीं होती हैं अगर आप जूम भी कर रहे हो। पीछे के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी डिसेंट दिख रहे हैं, कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छा है। सबसे बड़ा जो अब हाईलाइट है दैट इज़ दी बैटरी, 6000 mAh की बैटरी मिल रही है भाई। ये आराम से डेढ़ दिन तक चल जाती है अगर आप मीडियम यूजेज भी कर रहे हैं, यानी कि अगर आप एक दो घंटा गेमिंग करते हैं, कुछ फोटोज वोटोज क्लिक करते हैं, बाकी आपके जो बेसिक टास्क हैं मैसेजेस ईमेल्स, तब भी ये डेढ़ दिन तक चल जाती है। प्लस आपको एक फास्ट चार्जर मिल रहा है आपकी बार, और थोड़ी सी चार्जिंग भी जो है वो सैमसंग ने टेस्ट कर दी है। तो ये है गैलेक्सी M31, सारे स्पेक्स की हमने बात करी। कम्पीट करता है ऑफकोर्स रियलमी 6 प्रो के साथ, रेडमी नोट 9 प्रो के साथ, रियलमी X2 के साथ और पोको X2 के साथ भी। तो इस सेगमेंट में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और ये थोड़ा सा एक चैलेंज होने वाला है सैमसंग के लिए फोन को बेचते वक्त। अदरवाइज अगर आप सिर्फ बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, अगर आपकी ख़राब आदत है जो मेरी भी थोड़ी सी है कि हम चार्ज करना फ़ोन भूल जाते हैं या पावर बैंक कैरी नहीं करना चाहते, तो उस केस में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है।